गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक है। आप दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप लोगों को इतना जो प्यार आ रहा है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज है फ्राइडे, माशाल्लाह आप सबको जुम्मा मुबारक हो और दिन तो खूबसूरत है। और मैं अपना कर रही हूँ जेड रोवर, थोड़ा सा स्किन केयर। तो आप लोगों को भी दिखा दूँ कैसे करना है। नहीं मालूम है, दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर योर स्किन रीजन। इट लिफ्ट्स अप योर स्किन वेरी वेल। ओके, इट दे हैव लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो शेयर किया है बहुत पहले, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाओ और देखना मेरे चैनल। तो चलो फिलहाल मुझे ये करना है अभी और आप लोगों से मिलती हूँ मैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है, ये मैंने फ्रिज में रखा था। फ्रीजर में रख सकते हो 5 मिनट 10 मिनट या इवन ओवरनाइट आप रख सकते हो। और आपको क्या करना है, वो जेड रोलर से बेनिफिट्स है कि आपके यू नो फाइन लाइन्स कम होते, इट रिड्यूसेस पफिनेस, इट मेक्स योर स्किन ग्लो, tones your skin and soothes your skin, makes other products works better, and always apply vitamin C serum and use this jade roller. You will definitely see lots of effects on your skin. हम लोगों ने ना ऑलमोस्ट 6-7 या 8 महीने यू नो ऑलमोस्ट हो गए ब्लूबेरीज प्लांट किया था। तो यू कुड सी दे आर माशाल्लाह दे आर ग्रोइंग नाउ। और वो जो खुशी है ना आपके गार्डन के प्लांट्स की या जो भी हो यार, वो छोटी सी चीज़ ना, उसकी खुशी ना बहुत ही खूबसूरत होती है माशाल्लाह। तो अब देखते हैं ये कब आ जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, आप लोगों को सबको भेज दूंगी इंशाल्लाह। बता नहीं सकती, इतनी धूप है, अल्लाह कुछ हो रहा है तो मुझे चक्कर आ जाएगा बाहर रहूंगी तो। ओके तो चलो अंदर चलते हैं। तो कुकिंग करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा किचन काउंटर टॉप ना पूरा क्लीन करके लूँगी, ताकि कुकिंग करने में ना थोड़ा सा खुशी हो जाती है और किचन हमेशा साफ रखना चाहिए, है ना। तो बच्चों को ये लंच के लिए ना मैं बहुत ही सिंपल मैगी पुलाव बना रही थी और चिकन मलाई यू नो टिक्का बना रही। बहुत ही सिंपल है रेसिपी, आप देख लेना, ईजी है, 30 मिनट्स के अंदर बन जाएगा हर चीज़। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैंने एक पॉट लिया है, ऑयल डाला है, उसमें कार्डमम और क्लोव्स डाला है और एक छोटा सा ऑनियन चॉप करके डाल दिया है। ऑनियन आपको अच्छे से थोड़ा सा ना सॉफ्ट करना है। जब ऑनियन सॉफ्ट हो गया, मैंने ऐड किया है 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से भूनना जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको भून होने के बाद मैंने एक बड़ा सा टमेटो कट करके डाल दिया है। टमाटा और ऑनियन सब कुछ भुनने के बाद मैंने क्या किया है, एक मैगी क्यूब लिया है। वेजिटेबल स्टॉक मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चों के आप लंच बॉक्स में डालो, टिफ़िन डेफिनेटली एम्प्टी होके आ जाएगा। तो हाँ, तो टमाटर देखो आप अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मैगी क्यूब डालना है। और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/2 स्पून ऑफ हल्दी यूज़ किया। हल्दी इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड यू ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ इट। तो हाँ, ये अच्छे से डालने के बाद मैंने ना 1/2 कप बासमती राइस लिया है, वॉश करके रखा है और वो मैंने डाल दिया है। 1/2 कप के लिए मैंने 1.5 कप पानी यूज़ किया और धीमी आँच पे इसको कुक करने के लिए रख दिया है 10 मिनट में। और जल्दी से बन के हो गया, बच्चों ने इन्जॉय किया, बोल रहे थे मम्मा बहुत ही यमी लग रहा है, सिंपल है। इफ़ यू लाइक टू ऐड वेजिटेबल्स यू कैन ऐड इट, बट मैंने कुछ नहीं ऐड किया, बहुत ही सिंपल रखा है ताकि बच्चे इन्जॉय कर सकें अपना खाना। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल और इजी ना मलाई चिकन टिक्का बना रही हूँ बोटी। मैंने बोनलेस चिकन लिया है, कुछ 250 ग्राम तक होगा। उसमें मैंने व्हिपिंग क्रीम डाली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट थोड़ा सा ऐड किया है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ऐड किया है क्यूमिन पाउडर। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ऐड किया है चिली फ्लेक्स। ये डाल के ना मैंने अच्छे से इसको 20 से 15 मिनट तक मैंने मैरिनेट के लिए रख दिया था, ताकि वो अच्छे से मसाला पूरा कोट हो जाए। और फिर मेरे पास ना यहाँ पे लेमन और पेपर का ये था यू नो सीजनिंग था, वो मैंने डाल दिया है जस्ट फॉर द फ्लेवर। इफ़ यू डोंट हैव इट यू कैन यूज़ द लेमन एंड द पेपर पाउडर इफ़ यू हैव। तो हाँ, ये जब हो गया कुकिंग, उसके बाद में बहुत ही सिंपल है। पैन लिया है, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाला है और इसको धीमी आंच पे कुक किया है। बहुत ही यमी था। ऐसे ना इजी रेसिपीज आपको होना चाहिए और आपका टाइम भी सेव हो जाता है किचन में और मज़ा आता है। और क्या चाहिए आपको, बच्चे खुश, फैमिली खुश, तो आप खुश, भले भले इंजॉय कर लो। तो उसके बाद में देखो मैंने नमाज़ पढ़ ली। तो हे गाइस,
जुम्मा है ऑफ कोर्स, तो आज एक अच्छी चीज़ ये है कि मुझे इफ्तारी नहीं बनानी है क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर पे ना आज इज़ होस्टिंग इफ्तार पार्टी टू फ्यू ऑफ अस इंशाल्लाह, तो शाम में वहाँ पे जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी कि 20 रोज़े कंप्लीट हो गए माशाल्लाह से, कितने जल्दी ख़त्म हो गया ना रमज़ान पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला हम लोगों के रोज़े कबूल अता फरमाए, जिनके जो मुश्किल है वो अल्लाह ताला सबको दूर अता करे, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ रखे इंशाल्लाह आमीन। और अभी बच्चों का खाना तो पक गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि जहाँ जब मैं जाऊँगी वहाँ तो कुछ मैं पूरी सोच रही हूँ बना के लेके जाऊँगी और छोटा सा कुछ गिफ्ट इंशाल्लाह। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, और मगरिब हो चुकी है और 8 बजने आ गए और हम ऑल सेट टू गो टू द इफ्तार इंशाल्लाह। अभी वहाँ पे जाती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, हम लोग लेट हो जाएंगे। ओके तो चलो मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। हे गाइस हम लोग आ गए खाना खा के, मैं थोड़ा सा ना अपनी चाय पी लूँ, थकान हो गई है आज पता नहीं कैसी, बट काम तो कुछ किया ही नहीं। ओके तो चाय पीते हैं पहले थोड़ी सी सिंपल बगैर शक्कर वाली। बच्चे चले गए ऊपर अपना टीथी ब्रश करने और सोने के लिए, मैं थोड़ा सा 5 मिनट बैठूंगी, चाय पीऊंगी, लोगों को LDR दूंगी और फिर मैं ऊपर जाके अपना वीडियो अपलोड करती। आज यही था सिंपल, ज़्यादा कुछ था नहीं। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको फिर एक वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, आई लव यू।